मधुमक्खी का पंख छोटी उड़ानों के लिए बना हुआ होता है ताकि वो एक फूल से दूसरे फूल तक घूम घूम कर शहद इकट्ठा कर सके। मधुमक्खियों का पंख प्रति मिनट 15,000 से 20,000 बार फड़फड़ाता है जिससे वह हवा में रह सकते हैं। जब उनके साथ पोलन ग्रेन्स लगा होता है तब वो 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। शहद को बनाने के लिए मधुमक्खियां अपना सब कुछ न्योछावर कर देती हैं। हर एक वर्कर मधुमक्खी सिर्फ कुछ शहद के लिए रोजाना 2,000 फूलों तक का सफर तय करती है। इतनी भारी मात्रा में काम करने के कारण मधुमक्खी का शरीर कई जगहों से वॉन्डेड हो जाता है। कई जगहों से तो उसका शरीर फट भी जाता है। फिर भी इतने कष्टों को झेलते हुए वो शहद इकट्ठा करने के काम में जुट जाती है। ऑन एन एवरेज एक वर्कर मधुमक्खी ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्तों तक जिंदा रह पाती है, जिसके अंदर वो लगभग 804 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी होती है।